हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मेरे पास ये चाइनीज़ सेट आया है जिसमें कि हाफ पिक्चर ओके है और हाफ पिक्चर में ब्लैंक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा। और ये देखिए, इसमें मैंने सेट को उल्टा कर रखा है जिसमें ऊपर का सेक्शन ओके है और नीचे का सेक्शन ब्लैंक है और लाइनिंग वाली पिक्चर है। और इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। और इस कंडीशन में ये सेट रिपेयर हो जाता है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि सेट ऑल सेट रिपेयर हो। और ये मैंने सेट को ओपन कर लिया है और इसकी मैं आपको पीसीबी दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी पीसीबी है और ये आप देख लीजिए इसका पैनल नंबर। ये जो पैनल नंबर है ये बीओई का पैनल है। इसमें क्या है, ये 99% रिपेयर होता है। 1% क्या होता है कि आपका क्रिस्टल टूट ही गया या फिर वाटर डैमेज हो गया, उस कंडीशन में ये रिपेयर नहीं होता मैनुअली। और ये देखिए आप, इसकी पूरी पीसीबी तो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे फाइंड आउट करना है इस फॉल्ट को। ये मैंने सेट को ओपन कर रखा है और ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये दो साइड को ऑफ हैं जिसकी वजह से ये 99% रिपेयर हो जाता है, मतलब कि 80% फॉल्ट ज़्यादातर इनका ही आता है। तो ये ऊपर के सेक्शन का फॉल्ट है तो हम पहले सीधा ऊपर के ही कॉक पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ। ये 7.4 वोल्टेज बिल्कुल ओके है और ये माइनस वाले वोल्टेज थे वो 7.4 वोल्टेज, और ये 7.8 वोल्टेज है। ये डिस्टरबेंस है, मतलब यहाँ पे आपको VGH वोल्टेज 24 वोल्टेज आने चाहिए। और ये वोल्टेज मैंने ये डिटेल बना रखी है, ये डिटेल मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। जो जो मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा मैं उनको ये फॉरवर्ड कर दूँगा ऑल डिटेल्स। और ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ 7.8 वोल्ट जो डिस्टरबेंस है वो दिखा रहा हूँ। अभी मैं इसको क्या करूँगा कि ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कि इसमें जो ट्रैक होता है एक पीसीबी से कॉफ तक, और ये देखिए मैंने इस पे अभी कॉफ टू कॉफ एक ट्रैक बना दिया है जो मिस था ऊपर वाले कॉफ का। वो भी सेट बिल्कुल ओके चल रहा है। ये देखो, मैंने ये कॉफ टू कॉफ यहाँ से जंप किया और दूसरे कॉफ पे जंपर कर दिया है, तो अभी बिल्कुल सेट वर्किंग में चल रहा है। तो उस कंडीशन में मैं आपको वोल्टेज भी चेक करवाता हूँ जो 24 वोल्टेज मिस थे। ये देखिए, अभी 24 वोल्टेज मिस थे वो मैंने जंप कर दिए, 24 वोल्टेज का जंपर लगा दिया, तो मेरा ये सेट बिल्कुल ओके चल रहा है। ये सेट आप अच्छे टेक्नीशियन को ही दिखाइए। मेरा सोशल मीडिया पे वीडियो डालने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद ब खुद रिपेयर कीजिए और पैनल को ख़राब कर लें, क्योंकि ये बिना डिटेल के काम करना मुश्किल है। बट मैं आपको इसका भी एक फंडा बता दूंगा। वो जो जो मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा मैं उनको ये तरीका बता दूंगा कि आप बिना डिटेल के भी ये काम कर सकते हो और अपनी खुद ब खुद एक न्यू डिटेल बना के रख सकते हैं। मैंने सिग्नल लगा दिया है और सेट ओके चल रहा है। हमारी एक दिल्ली में ट्रेनिंग है और एक नासिक में। दिल्ली ट्रेनिंग के लिए अफजल खान दिल्ली से और मुकेश सर एमपी से, मैं हूँ, राजू सर है एमपी से और योगेश सर है मुंबई से। ये हमारी टीम है। और एक जो नासिक ट्रेनिंग है वहाँ पे भी हम पांचों ही मेंबरों की टीम है। और इसके लिए आप राजू सर से नासिक से और कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी दिल्ली ट्रेनिंग के लिए फ़ीस है। और ये और ओल्डर ट्रेडिशन जो हमारे से ट्रेनिंग ले चुके हैं उनके लिए आप डिस्काउंट भी है कुछ। और थैंक यू फॉर वाचिंग हमारी वीडियो के लिए। थैंक्स, प्लीज़ थोड़ा केयरफुली काम कीजिए किया कीजिए क्योंकि ये पैनल डैमेज हो जाता है। ज़्यादातर कॉफ उतर जाता है या फिर खोलते टाइम ही फ्रेम पैनल ब्रेक हो जाता है, क्योंकि चाइनीज सेट ज़्यादा केयरफुली करने